नमस्कार, टुडे भारत लाइव में आप सभी का स्वागत है। एक बड़ी खबर आ रही है फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद के टुंडला में हिंदू विश्व महासंघ के पदाधिकारियों ने सुभाष चौराहे पर पठान मूवी को लेकर शाहरुख खान का पुतला फूंका। टुंडला में विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारियों ने सुभाष चौराहे पर पठान मूवी को लेकर बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान का पुतला फूंका व विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ साथ फिल्म पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने रोष व्यक्त करते हुए इस प्रकार की फिल्मों पर सेंसर बोर्ड द्वारा रोक लगाए जाने की मांग करते हुए शाहरुख खान और पठान मूवी बनाने वालों को विरोध कठोर उपस्थिति पदाधिकारियों के द्वारा दी गई। जानकारी में बताया गया कि बॉलीवुड कलाकार जो भी फिल्म बनाते हैं उसमें हिंदू के देवताओं का अपमान करते नजर आते हैं, भगवा कलर को तार तार कर रहे हैं। जिसे भी देखो, फिल्म इंडस्ट्रीज के सितारे फिल्मों में सेंसर बोर्ड की मेहरबानियां से हिंदू रीति रिवाज को निर्णय करते नजर आए हैं। चाहे वह सलमान खान हो, चाहे शाहरुख खान, चाहे आमिर खान हो। मौके पर उपस्थित विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारी फिरोजाबाद से रिहान अली लक्ष्मी सविता की खास किया जा रहा है। क्या मामला है पूरा? ये मामला है जो बॉलीवुड के जो कुछ सितारे हैं जिनको आज हमने हीरो बना रखा है, वो हमारे हिंदू जो हमारी हिंदू रीति रिवाज हैं, हमारे कल्चर हैं, हमेशा उन्हीं पर कटाक्ष करते हैं। उनके विरुद्ध आज हमने पुतला दहन किया हुआ है, खास करके शाहरुख खान ने कभी अपना हरा रंग नहीं लिया किसी भी मूवी में। और आमिर खान जी थे, उन्होंने पहले हमारे देवी देवताओं के लिए बोला, पता नहीं क्यों सारा बॉलीवुड हमारे हिंदू धर्म के पीछे पड़ा हुआ है। उसके लिए हमने पुतला दहन किया जिसमें हमारे सारे भाई लोग हैं। शाहरुख खान ने क्या किया है? शाहरुख खान ने जो भी मूवी आ रही है पठान मूवी में हमारा भगवा रंग लेके जो उनकी हीरोइन है उन्होंने पूर्णता वाले अपने लिबास पहने हुए हैं जिनको मैं बता भी नहीं सकता। आप लोगों ने देखा होगा, पहले तो वो लिबास ऐसा है जिसको पहनना ही नहीं चाहिए आम जनता को। फिर वो टीवी पर दिखाएंगे हमारी माँ बहने जो सब देखे ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद में भगवा कलर है वो जो कि नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं उनकी वो लिहाज वाली वो हरकत है उनकी। तो ये मूवी चलेगी रिलीज होती है तो क्या करेंगे आगे की रणनीति? क्या यूपी में हम किसी भी हालत में उसे नहीं चलने देंगे। हमें नहीं पता चलना चाहिए लेकिन हम यूपी में नहीं चलने देंगे। उसके लिए हम कुछ भी कर गुजरेंगे। गंदी बात।